symbolism in the cherry orchard. Today we will discuss cherry orchard and symbolism in the cherry orchard. Symbolism, basically, it is a type of art. An art where a writer, an author can play and can depicted his all of the thoughts in his one word. एक ऐसा करिश्मा, एक ऐसा जो है आर्ट है, एक ऐसा वर्ड होता है जिसके ज़रिए वो जो है किसी चीज़ को फरमाए, किसी चीज़ को परसोनीफाइड करें. और चेरी ऑर्चर्ड बेसिकली इट इज़ ए सिग्निफिकेंट एंड इट्स अ मोस्ट विजडमेटिक सिम्बॉलिक प्ले एंड इट्स सिम्बलाइज सोशियो पोलिटिकल चेंज इन रशिया आल्सो. कि रशिया के अंदर जो है जब पॉलिटिकल चेंज आया था तो वो कैसे आया था, कैसे बोर्जियस क्लास जो है वो तब्दील हो रही थी और कैसे जो है लोग तब्दील हो रहे थे और किस तरह जो है वो क्लास जो है मर्ज हो रही थी और फ्यूडल लॉर्ड जो है, फ्यूडल सिस्टम जो है वो किस तरह उसकी वो हाईलाइट क्या था, उसका ड्रॉबैक क्या हुआ और लिबर्टी किस तरह आई, इक्वलिटी जो है लोगों में किस तरह आई. बेसिकली सिंबल्स आर ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स, फिगर्स एंड कलर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स एज लाइक चेकोव. बेसिकली चेकोव हैज़ यूज मैनी सिंबल्स इन दिस प्ले एंड कन्वे ए स्ट्रॉन्ग थीम to the play as like symbolic countenance, as like agar dekha jaye iske symbolism ke andar to social orders ya aristocratic class se jo hai relate kar rahi hai. Aur khas taur par agar iska symbols dekha jaye, iske mostly symbol jo hai wo dependent hote hain beauty ke upar aur destroyed ke upar aur different kism ke characters bhi hain. अब जैसे कि जो है ऑर्चर्ड इज़ आल्सो ए सिंबल ऑफ रशिया, ऑर्चर्ड जो है वो रशिया का सिंबल है, ठीक है. और एज ए ट्रॉफी मोव जो है, जो स्टूडेंट है वो क्लेम करता है दैट ऑल रशिया इज़ ओवर ऑर्चर्ड, कि सारा का सारा एशिया जो है वो क्या है जी, वो हमारा जो है वो एक ऑर्चर्ड है, हमारा बाग है, हमारा घर है. ऑर्चर्ड बेसिकली परिंदे का घोंसले की जगह होती है. तो परिंदा मतलब क्या है कि एक इंसान. तो जाहिर है ऑर्चर्ड कटेगा, सोसाइटी जाएगी तो परिंदे का जो है वो घोंसला ख़त्म हो जाएगा. नादान परिंदा, आपने वो गाना सुना गया है नादान परिंदे घर आ जा. तो अब परिंदा जो है वो घर कैसे आएगा जब जो है ऑर्चर्ड ही कट जाएगा. अगर देखा जाए फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर द ऑर्चर्ड इज़ ए सिंबल फॉर देयर यूथ. हाँ जी, ऑर्चर्ड जो है वो बेसिकली यूथ का भी सिंबल है और दूसरी तरफ एज ए मैडम रेन स्काई जो है वो और उसकी जो नर्सरी है, शी इमेजिन दैट वन ऑफ ट्रीज इन ब्लूजम इन देयर मदर एंड ड्रेस इन वाइट, ठीक है, वॉकिंग थ्रू द ऑर्चर्ड. सो चेकोव्स आइडिया टू शो दैट बोथ द ब्रदर एंड सिस्टर हैव नॉट चेंज येट द वर्ल्ड हैज़, कि उसका भाई जो है मैडम रेन स्काई का और वो जो है वो तब्दील नहीं हो रही, बाकी सारी तो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, वो अभी भी जो है वहीं पर ही जो है वो खड़े हैं. सो अब चेरी ऑर्चर्ड बेसिकली इस प्ले के अंदर जो है ना सेंटर ग्रेविटी का जो है रोल अदा कर रहा है और एवरीथिंग रिवॉल्व अराउंड इट, सारी चीज़ें जो है ना इसके गिर्द घूम रही हैं, ठीक है. और अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है प्योरिटी या प्योरली सिम्बॉलिक जो है वो इंडिकेट होते हैं सारे के सारे, जो कि जो है अभी मैंने बयान कर दिए हैं. सबसे पहले जो ऑर्चर्ड था जो कि सिंबल ऑफ
रशिया था। और अगर देखा जाए तो ऑर्चर्ड जो है सिंबल ऑफ लाइफ भी कहलाता है। ऑर्चर्ड जो है ऑलरेडी सिंबल ऑफ फ्रूट्स कहलाता है, सिंबल ऑफ प्लेजर भी कहलाता है ऑर्चर्ड, ठीक है। और अगर ऑर्चर्ड चला जाएगा तो फिर जो है सारी की सारी चीज़ें जो है प्लेजिंग या सारी की सारी चीज़ें जो है वो चली जाए। अब वहाँ पे नर्सरी भी है। अब नर्सरी जो है वो भी सोसाइटी से सिंबलाइज करती है और वो भी जो है अपग्रेडेशन या नेशन बिल्डिंग से जो है वो ताल्लुक रखती है। और अब ट्रॉफी मूव भी जो है इसके अंदर एक है, जो कि जो है चाइल्डहुड से जो है वहाँ पे रह रहा है। उसका बाप भी जो है वो वहाँ पे जो है वो काम करता था रेनस्काई के स्टेट पे, तो वो ये चाहता है कि बड़ा होकर जो है वो ये जो बाग है ये वो ख़ुद ख़रीदे। और जो मतलब जो चेरी ऑर्चर्ड की जो मतलब मेमोरीज हैं, ठीक है, वो लोपा केन के अंदर जो है वो रची बसी हुई हैं। और इट्स ए पर्सनल मेमोरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, क्योंकि वो ये चाहता है। अब रेनस्काई जो है बेसिकली नर्सरी रूम है ना स्टेट का, तो ये सिग्निफिकेंट करता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो कि चाइल्डहुड से करता है। मतलब क्या कि रेनस्काई की या जो है लोपा केन की जो है जो चाइल्डहुड है ना, चाइल्डहुड जो ट्रॉफी मूव का जो लोपा केन का जो जो चाइल्डहुड है, ये नर्सरी उसको शो करती है। और लाइव ऑफ जो है जो कि हैप्पी है, एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड होता है नर्सरी रूम के अंदर, वो फ्रांस को शो करता है। उसके बाद वारिया जो है ना, वारिया ये बेसिकली प्रैक्टिकली तौर पर जो है ना वो पावर को शो करती है। और गाइव्स जो है वो भी जो है सिंबलाइज करता है डिज़ायर के साथ, एस्केप के साथ जो है वो सिंबलाइज करता है। और जो है हमेशा कैंडीज़ खाता रहता है। उसका ये कहना है कि दे से आई हैव ईटन माई फॉर्चून अप इन हार्ड कैंडीज़। अब वो क्या कहते हैं कि सारे कहते हैं कि मैं कैंडीज़ की शक्ल में जो है अपनी किस्मत खाता जा रहा हूँ। अब कैंडीज़ बेसिकली इज़ आल्सो सिंबल ऑफ हिज चाइल्डनेस, ठीक है। मतलब कैंडी खाना या बच्चों जैसी हरकतें करना जो है वो सिंबलाइज करती हैं चाइल्डनेस की तरफ, कि एडल्टनेस नहीं है उस टाइम जो है, दुनिया में इतनी एडल्टनेस नहीं थी, ठीक है। लोग मतलब चेंज हो रहे थे, तब्दील हो रहे थे, और इवन ओल्ड फियर्स जो है जो कि उनका जो है पुराना ग़ुलाम था, ठीक है, तो वो भी जो है वो तब्दील हो रहा है। उसकी जो सिस्टर है मतलब जो है जो प्ले के अंदर है वो भी इतनी मैच्योर्ड नहीं है और अपनी सारी ज़िंदगी जो है वहाँ पे स्पेंड कर चुकी है। और इसी तरह जो है और जो है वो भी जो है सिंबलाइज करता है, वो वक्त के जाने के साथ सिंबलाइज करता है। और हम देखते भी हैं कि जब जो है वो फिर जो है वो एक हार्ड वर्किंग बंदा होता है जो कि इनका नौकर होता है, और जब वो सब कुछ कट जाता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। तो वो जो है वो जाने के वक्त के गुज़रने के साथ जो है वो सिंबलाइज करता है, क्योंकि उस टाइम जो है ना जो सिंबलिज्म या जो सिविलाइजेशन थी उसके अंदर मॉडर्न पीपल के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो तब्दील हो रही थी। अब जैसे जो है करेक्टर्स ख़ुद ब खुद जो है अपने आप में ही जो है वो सिंबल्स हैं, जैसे चीकोव जो है अब वो एसोसिएट कर रहा है विद द सिंबल ऑफ वॉच विद लोपा केन। अब लोपा केन की जो वॉच है वो किसको सिंबल्स कर, वो किसका सिंबल्स है जी, वो भी बिजनेस का सिंबल्स है, स्पेशली जब जो है वो मैडम रेनस्काई से जो है स्टेशन पर मिलता है और बात करते हैं जो है उसके बेचने की, उसके जो है वो इलाद करने की। तो हिज वॉच इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द वेल रेगुलेटेड बिजनेस वर्ल्ड एंड ही लुक्स एट हिज वॉच व्हेन ही ट्राइज टू टेल लाइबॉफ
ठीक है, फिर जो है उसको लाइबॉफ को जो है वो आइडिया देता है कि हाँ भाई स्टेट को जो भी जो बिक रही है उसको बचा लिया जाए। और इसकी जो आखिरी बात जो वारिया के साथ होती है कि जो है वो उससे शादी कर ले, लेकिन जो है वॉच विन शी एंटर्स, ठीक है। एंड देन अगर देखा जाए तो लोपा किन्स जो है वो दो पर्सनैलिटीज़ के अंदर डिवाइडेड है। वो किस वजह से? एक अपनी प्राइवेट लाइफ से और दूसरे जो है बिजनेस ऑफ स्टेट की वजह से जो है वो दो चीज़ों में जो है डिवाइडेड है, दो पर्सनैलिटीज़ में। और द साउंड ऑफ ब्रीकिंग स्ट्रिंग, ठीक है, किसी चीज़ का टूटना, लकड़ियों का टूटना जो है वो ऑडिटरी सिंबल है फॉरगेटिंग का, भूल जाने का। जैसे जो है पहले जो है सुनता, हेयर द प्लेयर आफ्टर गाइव्स सोलिक्वे ऑन द इंटरनिटी ऑफ नेचर, ठीक है, फेयर्स टेल अस दैट इट वॉज हेयर्ड बिफोर राउंड द टाइम एंड सर्फ वर फ्रीड, ठीक है। तो जो है जो पहले जो है टूटने की आवाज़ आती है वो भी तब्दीली का सिंबल है, वो भी डिस्ट्रॉयड का सिंबल है, वो भी ख़त्म हो जाने का सिंबल है। उसके बाद म्यूज़िक हॉल डांस पार्टी, ये भी जो है वो शो करती है अरिस्टोक्रेटिक फैमिली को, ठीक है, जो कि मतलब वो डांस कर रहे हैं, पार्टीज़ मना रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी कि उसके उनके ऊपर जो है वक्त बुरा आया हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पार्टीज़ करते हैं, वो जो है अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो बिलोंग करती है एस्केप ऑफ एटीट्यूड के साथ, और इंसान की जो है वो नेचर के साथ, और यही चीज़ें जो है वो बिलोंग कर रही हैं अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के साथ। उसके बाद जो उस टाइम की जो मतलब जो है अरेस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ थी वो भी तब्दील हो रही थी, ठीक है, पावर्स जो हाई क्लास थी वो तब्दील हो रही थी। लोग जो है वो अपने पार्क, अपने जो है वो जंगलात या अपने बागात काट के जो है वो इंडस्ट्रियल वे में तब्दील कर रहे थे, अपनी जो है ज़मीनों को इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, ठीक है। और इसी तरह जो है सारी की सारी जो है वो तब्दीलें चीज़ें तब्दील। अब उसके बाद पिशिक जो कि एक यूरोपियन कंपनी को शो करता है और वाइस वर्स है उसका, ठीक है, तो ये भी जो है ना वो तब्दीली को शो करता है। उसके बाद साउंड ऑफ सॉ एंड ऑक्स, अब आरी का और कलवाड़ी का साउंड जो काटने का जो चेरी ओचर को जो है वो भी फॉल ऑफ अरिस्टोक्रेटी को शो करता है, अरिस्टोक्रेसी जो फैमिली का उसका जो है वो फॉल शो करता है कि एंड ऑफ द रेशन ब्यूटी, कि रेशन ब्यूटी जो है वो कमर्शलाइजेशन जो है उसकी वो जो है वो ख़त्म हो रही है। और ये एक टिपिकल सिंबल है इसके अंदर, मतलब जो है एक पीजेंट ऑफ रिवोल्ट है, बगावत वाला सिंबल है। अब इसके अंदर मोस्टली करेक्टर जो है वो भी सिम्बोलिक हैं, जैसे लाइबॉफ जो है वो सिम्बोलाइज करता है फॉल ऑफ एरिस्टोक्रेसी के साथ। उसके बाद ड्राइंग फॉर हर सन इन द रिवर शो डेथ ऑफ एरिस्टोक्रेटिक ट्रेजर्स, अब जो इसकी सन की जो डेथ थी वो भी जो है एरिस्टोक्रेटिक डेथ ऑफ एरिस्टोक्रेसी से जो है वो करता है। उसके बाद इसका जो ब्रदर है गाइव्स गाइवर वो भी जो है हॉलोनेस को शो करता है। उसके बाद लोपाकिन है, ठीक है, वो भी जो है राइज ऑफ लोअर क्लास को जो है वो सिम्बलाइज करता है, कमर्शियल को बिजनेस को जो है। उसके बाद वारिया जो है वो ड्यूटीफुलनेस को जो है वो शो करती है, यशा जो है फिर्स वो भी कंट्रास्ट टू ईच अदर हैं, ठीक है। उसके बाद यशा जो है वो ड्यूटी लेस को ख़ास तौर पर कनिंग केयरलेस का सिंबल है, और सेटल इन फ्रांस का है। उसके बाद फिर्स जो कि ड्यूटीफुल और हार्ड वर्किंग है, ठीक है, लव्स रशिया से प्यार करता है जो कि ओल्ड टाइम का था, तो अब जो है वो उसकी भी जो है वो डेथ हो जाती है, तो वो भी जो है वो प्यार ख़त्म हो गया है। उसके बाद लीविंग फियर्स बिहाइंड इन द वर्ल्ड, ठीक है, वो मतलब जो है वो मर जाता है, और स्टेट को जो है जब जैसे ही जो है स्टेट कटना शुरू होती है तो वो भी जो है चला। उसके बाद ट्रॉफी मूव जो है ये एक इटर्नल स्टूडेंट है और माउथ पीस है चीकोव का बेसिकली, और मतलब एक स्टोरी प्रेजेंटर भी कहलाएंगे हम इसको। तो अगर देखा जाए एट द एंड देयर वी कैन से दैट द सिंबल्स इन द प्ले आर टू नंबर टू काउंट।
But many of the symbols which we I want to try to discuss at the front of you, I hope you can understand.